गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम आगे का चैप्टर पढ़ लेते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता, यानी उसे बहुत गुस्सा आता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहरी जीवन के बारे में पूछता रहता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। हाँ तो वह उत्तर देता, शहर की और बात है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ ही होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, यानी बदलू काका उनकी अच्छी मेहमाननवाजी करते थे, उनका अच्छा ध्यान रखते थे। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता था, वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल जो थी उसकी, वह उसमें से तो वह हमेशा ही उसके लिए आम बचा कर रखता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे और भी अच्छा लगता था, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बनाकर रखता था, बना देकर मुझे देता था। मैं बहुधा, मतलब हर बार, हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया था, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि यानी लंबे समय तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। वहाँ लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं जब वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, यानी मैं बच्चा नहीं रहा था। अतः गांव में होते हुए भी मुझे कई दिनों तक बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सारी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहने हैं, यानी किसी ने भी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन रखी थी। विरले ही हाथों में, यानी कुछ एक के हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तभी एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। लेखक कह रहे हैं कि मुझे अचानक से बदलू का ध्यान आया, याद आई उसकी। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया, और मैंने सोचा कि उनसे मिलकर ही आऊँगा। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। बदलू काका वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने उनसे कहा। वो बोले, नमस्ते भैया। उन्होंने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता ही रहा। तब लेखक उनकी ओर देखकर बोले, मैं हूँ जनार्दन काका, आपने मुझे पहचाना नहीं, आप मुझे गोलियाँ बनाकर देते थे। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह उन्हें याद कर रहा हो, स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, उन्हें याद कर रहा हो। फिर एकदम बोल पड़े, आओ आओ लल्ला, बहुत दिन बाद गांव आए हो। यानी अब उन्हें याद आ गया था कि ये कौन है। हाँ, आना इधर हो नहीं सका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर देखा, अपनी दृष्टि दौड़ाई और देखा कि न वहाँ उसकी मच्छियाँ नजर आई और न ही भट्टी जिस पर वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछता ही नहीं, गांव-गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। कुछ देर फिर चुप रहा, यानी इस ऐसी स्थिति में वो चुप हो गए थे। फिर बोले, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से ही होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता